मुझे फोटो लेनी है साइड से लेते। अरे यार रुक जा, अगर पता अगर मत काम कर साथियों को, आवाज सुनती माताओं बहनों को, हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारे साउंड मास्टर को, कैमरामैन को, हमारे जितने भी यहाँ पर गौशाला की कमेटी के मेंबर हैं, हमारे म्यूजिशियन साथियों को, हमारे कलाकार साथियों को, मेरी माँ को, हमारी टीम को, सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्यार भरी मीठी मीठी राम राम नमस्कार। कलाकार तो है ही नहीं, ना कभी थे, आप लोगों से तो बहुत छोटी हूँ, ना कभी हो सकती आप लोगों के सामने कलाकार, पर इतना प्यार देते हो यही बहुत है। आइए शुरुआत कहा करते हैं कि बड़ी अच्छी बात से होना चाहिए, चाहे खत्म लड़ाई झगड़े पर हो जाए, पर शुरुआत अच्छी बात से करते हैं। जिस मकसद से आप और हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसी के लिए एक रागनी, उसके बाद जैसा कि आप लोगों का आदेश होगा पूरा करेंगे। रुपये संदीप सूर्या रोशनी लिमिटेड आए और अपना सम्मान पत्र लें। सूर्या रोशनी से कंपनी से हमें निरंतर सहयोग मिलता रहता है, उन्होंने कंपनी के गेट पर ही अपना दान, हमारा समिति का दान पत्र रखा हुआ है, जिसमें निरंतर आने जाने वाले जितने भी ट्रक हैं उनकी राशि निर्धारित की गई है। कोई 100 रुपये डालता है, कोई 500 रुपये डालता है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई जी का, सूर्या रोशनी लिमिटेड कंपनी का। उमेश सिंह जी गांधरा से 1100 रुपये, जय सिंह दलाल जी आसोता से 1100 रुपये, सभी दानवीर सज्जनों का, सहयोगियों का बार बार हार्दिक धन्यवाद। सभी दानी सज्जन अपना सम्मान पत्र ले लें और गोधन सेवा समिति उनका हार्दिक धन्यवाद करती है। हमारे बीच में हमारे परम सहयोगी श्री जोगेंद्र खत्री जी, मशहूर समाज सेवी, वे भी उपस्थित हैं। वे गोधन सेवा समिति में गौ सेवा के कार्य के लिए निरंतर समिति का सहयोग करते रहे हैं और आज के प्रोग्राम में भी उन्होंने और उनके साथी श्री राजेश खत्री जी प्रधान हैं रोहिणी जाट सभा के, दोनों ने मिलकर 1,11,000 रुपये की सहयोग राशि गौ सेवा में दी है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। जय गौ माता की। श्री राम किशन डबास जी, ये जोगेंद्र जी के मित्र हैं, ये भी 21,000 रुपये से गौ सेवा में सहयोग कर रहे हैं। हम बार बार दिल की गहराइयों से श्री जोगेंद्र खत्री जी का हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। श्री जोगेंद्र खत्री जी, श्री करतार पूर्व सरपंच कुलासी 1100 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, जोगेंद्र खत्री जी के साथ ही हैं ये। श्री हेमचंद्र जी, ये भी जोगेंद्र खत्री जी के साथ ही हैं, 1100 रुपये का ये भी सहयोग कर रहे हैं। जोगेंद्र खत्री जी ने जो सहयोग किया है, करवाया है, उसके लिए बार बार सारी समिति इनका हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करती है। मैडम जी अपना प्रोग्राम जारी रखो जी। क्या तक खड़े हो, बैठ जाओ, नहीं बैठना, नहीं बैठना तो ना नाट जाओ, क्या तमन भी भुगवाओ, बैठ जाओ, सच्ची बैठ जाओ, इधर उधर हो जाओ, नहीं तो परेशानी आ रही है आपकी तरफ से, सच्ची कई हो जाओ जी, फटकारी
ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਅਦ ਜਮ ਮੰਨੇਗੇ नोटंकी को पता चल जाता है कि ये हार मालन ने नहीं बना है। सजनों पूछने लगी कितने तो हार नहीं बना, बता किसने बनाया। और उसने लेखा भागे भागे गए फूल सिंह के पास वो मालन और कहने लगी कि तने मेरी जान जोखिम में डाल दी, अब तने एक काम करना पड़ेगा, तने नौटंकी के पास चलना पड़ेगा, लेकिन इस तरह तने तने अपनी असनाई बदलनी पड़ेगी, तने एक औरत का भेस लेना पड़ेगा। इतनी बात सुनी फूल सिंह ने पक्का पक्का रह गया, कहने लग गया कि मालन तू कुछ करा ले, मेरे तो मेरी असनाई बदलने की बात बता कर। आइए तो किस प्रकार से वो फूल सिंह उस मालन से कहने लग गया था, क्या बता दिया, ये कहा संजय शर्मा आइए। गौ माता की, भारत माता की, आज के गोधन सेवा समिति द्वारा आयोजित इस धार्मिक आयोजन में हरियाणा सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी, पूर्व में सहकारिता मंत्री रहे हरियाणा सरकार के बड़े भाई मनीष ग्रोवर जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन भाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार भाई अजय गोड़ जी, भाई चेयरमैन पूर्व में रहे नगर परिषद के करमवीर राठी जी, यशपाल गांधी जी, एडीसी जगन्निवास जी और सभी मंच पर सम्मानित नेतागण, सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे हुए मेरे हलके की सम्मानित जनता और सभी कलाकार बंधुगण, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का और आप सबका इस धार्मिक आयोजन में पहुंचने पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे बहुत ही परम पूजनीय पूजनीय श्री स्वामी जी, जिनके सानिध्य में पूरे भादरगढ़ शहर के अंदर चार गौशाला जहाँ उपचार केंद्र भी चले हुए हैं और सैकड़ों गौओं का यहाँ पर उपचार और खाने पीने का इंतजाम गोधन सेवा समिति द्वारा किया गया है। माननीय स्वामी जी, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके गोधन सेवा समिति को गौ माता की सेवा करने का मौका दें, क्योंकि आप हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और पूर्व में भी जब जनता ने हमें मौका दिया था भाई मनीष ग्रोवर जी ने परम पूजनीय स्वामी जी के सानिध्य में यहाँ पर बहुत सारा दान दिया और हमें मौका मिला तो हमने भी बहुत सारा सहयोग किया। अब भाई अजय गोड़ जी और माननीय मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी यहाँ पर पहुँचे हैं, मेरा समिति की तरफ से और भादरगढ़ हलके की तरफ से आपसे नम्र निवेदन है
कि ज्यादा से ज्यादा राशि का सहयोग देकर हमें कर्तार्थ करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता। मैं मैडम सपना चौधरी को मंच पर आमंत्रित करूंगा और निवेदन करूंगा हमारे मंत्री जी से कि मैडम जी का स्वागत करें मेमेंटो के द्वारा। मैडम सपना जी, भाई ये बैठ जाएं, जो दर्शक हैं वे बैठ जाएं। भाई पीछे वाले नहीं दिख रहे। मनीष जी हमारे पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री, वे भी आपका उद्बोधन करेंगे। आज का गोधन सेवा समिति जखोदा छठा वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री, हमारे मित्र श्री मूलचंद शर्मा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव श्री अजय गौड़ जी, हमारे पूर्व विधायक नरेश जी और हमारे नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भाई करमवीर राठी जी और मंच पर बैठे हुए सभी हमारे पार्टी के सम्मानित और यहाँ की प्रबंधक कमेटी और सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, इस वार्षिक उत्सव गोधन के अंदर मुझे लगातार 5 साल से इस कार्यक्रम में आ रहा हूं और जिस तरह ये टीम पूरी गौ माता की सेवा कर रही है, मैं समझता हूं इस भारत की धरती पर गौ की सेवा करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं जैसे माँ की सेवा करना। और इस तरह हमें संत समय समय पर हमें आशीर्वाद देते रहते हैं और हम सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग संतों के आशीर्वाद से गौ माँ की सेवा करते रहते हैं। ये एक छोटा सा वट वृक्ष लगा था जो स्वामी जी के आशीर्वाद से आज ये बड़ा वृक्ष लग रहा है और इन्हीं के आशीर्वाद से आज ये इस भादरगढ़ की पूरी टीम इस सेवा को कर रही है गौ माता की। ये गौ हमारी, हम सेवा करेंगे तो उससे हमें भी कुछ ना कुछ लाभ मिलता है जीवन को। हमें जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों से भी हमें दूर होता है, इसलिए हम इस समय समय पर इस काम को करते रहे, गौ माता की सेवा करते रहे। और मैं आदरणीय हमारे मित्र मूलचंद शर्मा जी से निवेदन करूंगा इस गौशाला के अंदर अच्छा सा इनका एक आशीर्वाद अपने सरकारी खजाने से देकर जाए जिससे ये आपको पूरा, क्योंकि मैं भी जब यहाँ पर जिम्मेवारी थी हरियाणा सरकार में तो हम भी समय समय पर यहाँ और नरेश जी हम दोनों देते रहते थे। अब आपसे निवेदन है और आपको मैंने एक टेलीफोन के अंदर आपसे प्रार्थना की और आपने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद आपने कहा कि इस मौके पर मैं जरूर आऊंगा क्योंकि मेरा एक सेवा का भाव रहता है। और आप लगातार आज बल्लभगढ़ से लगातार 2 बार विधायक बनकर आज माने मुख्यमंत्री के साथ एक सहयोगी बनकर हरियाणा की सेवा कर रहे हैं, इन्हीं शब्दों से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, भारत माता की, गौ माता की। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अजय गौड़ जी जो कि राजनीतिक सचिव हैं मुख्यमंत्री जी के, वे आए और अपना उद्बोधन दें। मंच पर विराजमान सरदे दिव्यानंद जी महाराज, हरियाणा सरकार के मंत्री आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, पूर्व मंत्री बड़े भाई मनीष ग्रोवर जी,
हमारे भादुरगढ़ के पूर्व विधायक भाई नरेश कौशिक जी और इस आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित मंचासीन भादुरगढ़ के सभी श्रद्धालु, आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कि आप इस पुण्य कार्य में अपनी आज आहुति यहाँ देकर जा रहे हैं। और मैं मनीष भाई साहब ने कहा कि भाई पिछली बार आपने यहाँ खजाने में दिया, इस बार भी खजाने की चाबी मनीष भाई जी के पास है, जो मनीष भाई साहब कहेंगे मूलचंद जी वो देकर जाएंगे। और मनीष भाई साहब जी ने जो आदेश करना वो काम मुख्यमंत्री जी इस रोहतक के पूरे आसपास में करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। और जो आज समिति ने यहाँ धन्यवाद और अभिवादन आप सब ने किया है, पूरे भादुरगढ़ वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अजय गौड़ जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आए वो मार्ग प्रशस्त करें हमारा। आदरणीय बहादुरगढ़ के ऐतिहासिक मेरी माता बहने नौजवान साथीगण, परम पूजने स्वामी जी देवानंद जी महाराज, मेरे बड़े भाई हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री, मेरे बड़े भाई मनीष ग्रोवर जी मेरे बीच में हैं, मेरे अजय गौड़ मेरे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार, मेरे छोटे भाई अजय गौड़ जी, आपके पूर्व विधायक आदरणीय नरेश गौड़ जी, भाई यशपाल गांधी जी, करमवीर राठी जी, कृष्णा चावला जी, रमेश राठी, सभी मेरे सरकारी एडीसी साहब, एसडीएम साहब, जीएम साहब, पत्रकार छायाकार बंधु साथी, कलाकार हमारे बीच में, हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार क्या नाम पूरा सपना चौधरी, तो इनको बहुत बधाई बहुत मार्ग। मैं ब्रिज के इलाके से आता हूँ और ब्रिज के इलाके में जो पूजा कृष्ण जो गाय की पूजा होती है हमारे ब्रिज की अलग ही है, और आपके इलाके के 20 किलोमीटर का भाषा हर चीज बदल जाती है हर 20 किलोमीटर पर। और ब्रिज का इलाका ऐसा है, कृष्ण का इलाका, जहाँ सारी दुनिया कहती है कि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ ये ब्रिज के लोग आ लिए, कि सारा ब्रिज का इलाका है और गौशाला की कोई ऐसा नहीं जो गौशाला ना हो। गाय और ब्राह्मण की सबसे ज्यादा पूजा हमारे ब्रिज के इलाके में है। और आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मुझे भाइयों के आशीर्वाद से मुझे हरियाणा सरकार में जिम्मेदारी दी है। और भाई मनीष जी ने कहा, मेरा छोटा भाई मनीष जी, आप बड़े भाई हैं, जो आप कह देंगे, नरेश जी छोटा है, जो कहेंगे हम वही करेंगे, ये सारी ताकत आपकी, आप लोगों की है, ये संतों की ऋषियों की है, सब आशीर्वाद आप लोगों का है। मैं तो आपसे एक विनती करूंगा कि मेरे लायक जो भी काम हो, कभी गौशाला का, मंदिर का, मस्जिद गुरुद्वारे का काम कभी एक साथ पूरा नहीं होता, ये चलता रहता है, जब तक संसार, जब तक दुनिया है, सृष्टि है, ये काम कभी नहीं रुकेंगे, कह जाए हम पूरा कर जाएंगे, कभी कोई पूरा नहीं कर पाया, हर काम अधूरा रह जाता है। अभी जब पैसे जो मेरे पास आएंगे सरकार के दिए पैसे, मैं तरफ से 5 लाख रुपए में इस गौशाला में, मेरी तरफ से गौशाला में मैं अपनी तरफ देके जाऊं। और सभी सारा हरियाणा है भाई, अरे छोटी बहन सपना भी तो खड़ी है, पूरा करेगी पैसे इनने, उत्तर भारत की सबसे बड़ी कलाकार है हमारी छोटी बहन। एक मिनट। और जब भाइयों ने कहा 11 लाख रुपए हम घोषणा करते हैं, 11 लाख रुपए हम दे देंगे, थैंक यू। आप 11 दे दो, मैं 21 दे दूंगी। देखो सपना, तेरा कोई मुकाबला नहीं। कहते हैं बिरमा भी हारा था, ब्रह्मा नाचा विष्णु नाचा,
नाते कृष्ण मुरारी रे। आपका आपने बोला कि मैं पूरे कर दूंगी, अभी जब पूरे ही करने तो मैंने 21 बोले, आप 41 दे के जाओ, मजा तो जब ही है, फिर आप 41 दो मैं 81 दूंगी। सपना जुबान की बात, पूरे कराएंगे भाइयों से भी क्या रहे सर, हरियाणा के लोगों की एक खास बात है, जुबान पे खरे उतरेंगे जब मरना पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम सपना जी का, माननीय मंत्री जी का, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद करते हैं मंत्री जी का, मैडम सपना जी का। ऐसा है जी मंत्री जी, मैडम सपना जी जो है ना गौ उपचार केंद्र में फरी आती है, बताऊंगा दे है, एक मिनट, पब्लिक सेक्रेटरी ये दे दो, हमारी पूरी गौधन सेवा समिति, हमारे यशस्वी परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती है, इन्होंने 11 लाख रुपए दिए, एक बार ताली बजा दो भाई मंत्री जी के लिए, इनकी पूरी टीम के लिए, इनके साथ में मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री पद को शोभायमान कर चुके हैं, बहादुरगढ़ हल्के के पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी बहादुर विधायक, और इनके साथ में अशोक शर्मा जी, करमवीर राठी जी पूर्व में चेयरमैन पद को शोभायमान कर चुके हैं, गौड़ साहब हम पूरी समस्त टीम का, पूरी गौधन सेवा समिति इस देवतुल्य धरावर पधारने पर स्वागत अभिनंदन और अभिवादन करती है। भाई मंत्री जी ने 11 लाख रुपए दिए, मंत्री जी का एक बार तालियों से स्वागत करो भाई, जोरदार तालियों से भाई। शर्मा जी हमारे यशस्वी मंत्री जी ने समय का अभाव होने के बावजूद भी हमें समय दिया, और इनके साथ में इनकी पूरी टीम का हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद शुक्रिया और अभिनंदन करते हैं, और हमारी स्टार गायिका जो दिल की भी स्टार है सपना चौधरी से मैं निवेदन करूंगा, सुनो भाई मैडम जी गौ माता के लिए जान देने तैयार है, हमारी जब शुरू में गौशाला खुली थी मैडम जी ने घूम घूम का पैसे इकट्ठे करे थे, पैसे के लिए नहीं आती मैडम जी, मैडम जी के मन में गौ माता के प्रति श्रद्धा प्रेम भावना है, तो मैं चाहूंगा सुपर स्टार गायिका के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, और मैं गौ माता से निवेदन करूंगा इनके जो हेलो संचालक महोदय जी, एक सेकंड भाई, मैं हमारी पूरी गौधन सेवा समिति दिल की कह रहा है, भगवान से मांग करती है के दिन दोगुनी चार दोगुनी मैडम उन्नति करें, और देश में नाम तो हो लिया ही, विदेशा में भी नाम हो, और गौ माता की छत्र साया में नू अब फलती फूलती रहो, हम सारे नमन करते हैं, यहाँ पहुंचिए, सारी बात मांगते रहो, पर जान की बात मत ना करो, जान की बात करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये 50 लोग और पीछे बैठे हैं गिर जाएंगे ना, मैडम की जान ना लेते हम, दे दे मैडम आइए, जहां से कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा था, हमारे साथी जो पीछे बैठे हैं दर्शक भाई है, नीचे बैठ जाए, प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, बैठो और आइए कंचन भाई, वहीं से कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सत्यपाल हमारे मित्र राम स्वरूप जी के बेटे वे भी आए, ब्रह्म प्रकाश सेन, संदीप चौहान जी, जय भगवान दैया जी और सुरेश जी, इन
आइए कुछ कार्यक्रम को थोड़ा सा बदलाव करें, इतना भी दान दे सके उतना दे दीजिए। शुक्रिया, यो भी खूब नोट उड़ा के गया। खिड़की ऐसी है कि वाड़ कैसा होगा। हाँ जी, अच्छा आपका है क्या? अच्छा फोटो खींचना है, अभी खिंचवाया। पहले इनते कैसा रहता दान देवेंगे जके एक एक ते एक एक के कान में कहता ना। ये सच्चाई बात है जी, जिस पर्पस से आप लोग हम जुड़े हैं, अगर वो ही पूरा नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या? ना इस स्टेज का फायदा, ना उस स्टेज का फायदा, ना आपके आन का फायदा। मानो ना, अगर एक आदमी भी 100-100 रुपए यहाँ देने तो बढ़िया है, उड़ा दे दो अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। बतेरा आप लोगों की दया तो बहुत है, दाल रोटी चल जाए, इससे फालतू नहीं चाहिए। आपने 10-10 रुपए, मेरे ख्याल से 5 रुपए अगर गोज में एक का सिक्का भी हो ना, वो भी दे, थारा फर्ज बने है ना। मन तो नीचे उतरने तो डर लगन लग गया, ना यू भी नहीं उतरू, बतेरे उतर उतर के दान दे लिए, अब नहीं, अब बस की नहीं रहा। मेरे तो सर बुराई रही है अंकल जी, मैं तो कितना भी भला कर लूं, आखिरी में बुराई बंधनी है मेरे तो। मन तो पता और ये टिग्गल गौशाला से 1100 रुपए हमारी पार्टी का मान सम्मान है, गौशाला में के दोगे? दे दिए, थरा बलाओ था ये बढ़िया, दूसरे गांव तारे मतलब कोने सुनी इतनी दूर तक ताऊ, किसने सुना ना, थमण आला सो अपने आप थम जाया करे। ये 100 रुपए अब ताली मारो इस बच्चे के लिए, 100 रुपए गौशाला में दे रहा है, अब तो थोड़ी शर्म कर लो। अच्छा ये फोटो ले लो, ये गौशाला के